आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आज हम बनाएंगे हक्का नूडल, वो भी घर पे। पानी बॉईल करना है, हक्का नूडल बॉईल करना है और साथ ही साथ प्याज और शिमला मिर्च को काट के रख लेना है। थोड़ा सा नमक ऐड करना है और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी से जो आपके नूडल्स हैं उसमें येलो कलर आ जाएगा और नमक से जो आपके नूडल्स हैं वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे। नूडल्स उबल चुके हैं, अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। दो चम्मच ऑयल डालेंगे ताकि नूडल्स जो हैं वो आपस में चिपके नहीं। तोड़ के चेक करेंगे कि नूडल्स पके हैं या नहीं पके हैं। अगर नूडल्स पक गए हैं तो उनका पानी निकाल के उन्हें साइड कर लेंगे। मटर छीलेंगे। अगर आपके घर में और कोई वेजिटेबल है आप डालना चाहते हैं तो बच्चों के लिए वेजिटेबल अच्छी रहती है, नूडल्स के साथ वो खा लेंगे। तो आपके घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। नूडल्स में मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी और फिर उन्हें हाथ से बिल्कुल अलग अलग कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं। पैन में ऑयल डाला, मैंने वही पैन लिया है। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, मैंने आधी चम्मच लिया है। जीरे को ऐड करके उसे चटकने देना है। जैसे ही जीरा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, प्याज, शिमला मिर्च और जितने भी आपके मसाले हैं जैसे नमक मिर्च वो सब आप इस टाइम पे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सौते करेंगे। अब मटर ऐड की और उन्हें अच्छे से भून लिया नमक मिर्च मसाले के साथ। जैसे ही आपका मसाला रेडी हो जाएगा उसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और सोया सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर नूडल्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। होममेड नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। फटाफट मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए कि नेक्स्ट रेसिपी आप किस चीज़ की देखना चाहते हैं। और फूड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Very nice.